दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां, नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। मैं जयवंत के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अरे आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात, होते कौन हो तुम, क्या लगते हो हमारे, क्यों बार बार इस घर में आते हो, जब भी इस घर में कोई खुशी का मौका होता है तुम यहाँ आते हो और सारा माहौल दुख में बदल देते हो, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं सुनूंगी तुम्हारी कोई बात, न मानूंगी। मानव क्या चाहते, क्या हो तुम, किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मानव, मेरी बहन की जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते, नरक बना के रखी इसने हमारी जिंदगी, अरे मेरे इकलौते बेटे की शादी उसका भी सुख नहीं मना पा रही हूँ मैं, क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ, अरे जाओ ना तुम अपनी जिंदगी जियो और इन्हें इनकी जीने दो। अरे आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते, अच्छा ठीक है एक बार आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर यकीन नहीं होता तो मैं खुद ऐसे कर, मैंने खुद आज इस इंसान को एक आदमी से बात करते हुए देखा, इसने उससे पैसे उठाए, ये कह रहा था कि ये शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे पैसे चाहिए, एक बार शादी कर लेगा तो सतीश जी और धर्मेश जी के साथ ये पार्टनर बन जाएगा और उसको उसका पैसा वापस कर देगा भाई, मैं सच कह रहा हूँ ये सिर्फ अर्चना से पैसे के लिए शादी कर रहा है। मानव ये क्या बोल रहा था, हाँ क्या बोल रहे थे, मैं इतनी घटिया हरकत कर सकता हूँ, अरे मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, और तुम वो बात मुझ पर थोप रहे, माना कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं तुमसे जबरदस्ती उस पेपर पे साइन करा था, लेकिन वो मेरे लिए नहीं था हमारी कंपनी के लिए था, तुम उस बात के लिए मुझसे बदला ले रहे, ऐसा मत करो माना, प्लीज बंद करो ये तमाशा, क्यों इन सब की नजरों से मुझे नीचे गिरा रहे हो तुम, और धर्मेश सर, अरे वो तो मेरे गॉडफादर है, मेरे आए बाबा से ज्यादा मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और मैं उनकी बराबरी करने के लिए सोचू, तू हम सबके बीच में गलत फहमियां फैला रहा तू, मैं तुझे एक मिनट मानो, जयवंत तू कुछ नहीं बोलेगा, तुझे किसी भी तरह की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं तुझ पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकता हूं और इस आदमी पर खुली आंखों से भी यकीन नहीं कर सकता। सर मानव तुम, तुम्हारी आई और तुम्हारा परिवार तमाशा करने में विश्वास रखते, जबकि ये शरीफ लोगों का घर है, हम लोग शांति से जीने में विश्वास रखते हैं, प्लीज हमारी शांति मत बिगाड़ो, अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो चले जाओ यहाँ से। सर आप मुझे गलत समझ रहे, देखिए वो मैं समझना क्या है मानव, तुम गलत हो। हाँ मानव धर्मेश सही कह रहे, तुम जलते हो जयवंत जीजू से और इसीलिए सारी अनाप शनाप बातें करे जा रहे हो। वर्षु तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो ना, मैं किसी के बारे में ऐसा झूठ क्यों बोलूंगा वर्षु, देखो ये इंसान सच, खबरदार मेरे बेटे के बारे में अब कुछ भी कहा तो तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की तरफ उंगली उठाने की, मैं सच कह रहा हूँ उस आदमी से, क्या करेंगे तुम बाबर, कैसे जानते हो उस आदमी को, क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे, विरोध विरोध में बनाओ और बहाने बनाओ, मानो हमारे मन में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत थी, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो होने के बावजूद वो इज्जत कम नहीं हुई थी, क्योंकि हमें विश्वास था कि दूसरों के लिए जीने वाला मानव हमारी ताई के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करेगा, लेकिन आज तुमने वो विश्वास तोड़ दिया।
लग रहा तुम्हें तो यकीन है ना मुझ पर, तो मैं झूठ क्यों बोलूं अर्जुन? मैंने हमेशा से तुम्हारा भला चाहा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है अर्जुन। अर्जुन ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं, तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। अर्जुन मैं तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे अर्जुन? मानव प्लीज यहां सीन मत क्रिएट करो प्लीज। अर्चना मेरी होने वाली पत्नी है, उसे इस तरह तकलीफ में देखकर, मैं इसे इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। फॉर गॉड सेक माना, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। हाथ मत लगाओ उस लड़को। खबरदार जो हाथ लगाए, ये लोग यकीन करें ना करें, मैं तेरी असलियत अच्छे से जानता हूं। मैं तो अर्चना की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी तुमको। समझता क्या अपने आपको? बस चले जाइए यहां से, चले जाइए। और दोबारा कभी यहां बताइएगा, मैं अपना फैसला दे चुकी हूं ना, तो मैं इसी फैसले के साथ आगे बढ़ूंगी। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी जिंदगी में बोले। प्लीज मानो, बहुत मुश्किल से मैं अपने आप को आपसे दूर कर पाई, बहुत मुश्किल से। मेरी जिंदगी में और दखल मत दीजिए। आपको कोई हक नहीं बनता मन, आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये जानने का। आप यहां से चले जाइए, मैंने आपसे कहा ना, जाइए आप यहां से, आप जाइए ना मानव, यहां से निकल जाइए, जाइए अब, जाइए यहां से मानव, जाइए। साहब सुबह से कुछ नहीं खाया, साहब साहब सुबह से कुछ नहीं खाया, साहब नहीं है साहब, बहुत भूख लगी है साहब, साहब। अरे बोला ना नहीं है, अगर होता भी तो नहीं देता, कुछ नहीं करना मुझे किसी के लिए, जाया से। सुन ये ले। थैंक यू दादा। जयवंत, मैं नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन अगर मुझे तुम में और मानव में से किसी एक को चुनने को कहा जाए तो मैं मानव को चुनूंगा। उसकी अच्छाई मेरे सामने क्लियर है, तुम्हारी अच्छाई को लेकर मेरे मन में काफी सवाल है। पता नहीं क्यों मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम जैसे दिखते हो शायद वैसे हो नहीं। मानव की जिंदगी आईने के जैसे साफ, जैसे अर्चना की, इन दोनों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। तुम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड,
मुझे शक होता है तुम पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। बात बिल्कुल साफ है जयवंत, जब से तुम्हारी शादी अर्चना के साथ तय हुई है मुझे लगा कि अर्चना की जिंदगी सेट हो चुकी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अर्चना के काबिल कभी थे ही नहीं। मनी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। मनी मनी आप अच्छी तरह से जानती है ना कि दादा कभी झूठ नहीं बोल सकते मनी, और आपसे झूठ बोलने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जयवंत गलत है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि दादा कभी गलत नहीं हो सकते। और अंतु मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी, तेरे लिए ये अच्छा होगा कि तू ये बात भूल जाए, और मुझे भी भूलने दे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके और दादा के रास्ते अलग हो चुके हैं, आप दोनों की मंजिलें भी अलग हो चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों जो अपनी जिंदगी का अलग अलग नया सफर शुरू करने जा रहे हैं उसमें आप दोनों के दिलों में कोई गलत फहमी हो। मेरी बात समझ। मैं हमेशा मानव का साथ नहीं दे सकती, और हमेशा अपने परिवार के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती, और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मानव कहीं ना कहीं गलत है। वही मैं दादा से बात करूंगी इस बारे में, और मैं इस वजह से आप दोनों का पवित्र रिश्ता नहीं टूटने दूंगी, कभी नहीं। आज अर्चना ने जो किया वो सच कहता हूँ वैशु, मैं तो चौंक गया। एक तरह से मुझे खुशी भी हुई कि आखिर वो मानव के हैंगओवर से बाहर तो आई, तो हो सकता है मानव की आज की हरकत ने उसकी आंखें खोल दी। मानव ने हद कर दी, उसने इतने घटिया इल्जाम लगाए जयवंत पर। वैशु मानव के लिए मेरे मन में चिढ़ थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी घटिया हरकत करे। वैशु तुम मेरी बात लिख लो, मानव ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अर्चना को किसी और के साथ नहीं देख पा रहा। एक तरफ तो बड़ा त्याग की मूर्ति बना फिरता है, और दूसरी तरफ ये सब। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था धर्मेश, लेकिन गुस्से से भी ज्यादा मैं कंफ्यूज हो गई। धर्मेश पिछले 3 सालों से मैं जिस मानव को जानती हूँ वो ये नहीं है, कभी झूठ नहीं बोल सकते, और ताई के मामले में तो वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, तो ताई से बहुत प्यार करते हैं, और ताई के भविष्य के साथ वो इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। खुदगर्जी इंसान से बहुत कुछ कराती है वैशु, और अभी तुम्हीं ने कहा ना कि वो अर्चना से बहुत प्यार करता है, उसके कल के बर्ताव की वजह वो प्यार ही, वो प्यार अब उसका जुनून बन गया है, और वही जुनून अब उसे अर्चना की भलाई के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर कर रहा है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, समझता क्या वो अपने आप को, मेरे बेटे के बारे में ऐसी गलत बात कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। बिल्कुल बिना किसी सबूत के कोई किसी पर इस तरह कीचड़ कैसे उछाल सकता। बगाना पर प्रभा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब करके उसे क्या मिल रहा है। उसे क्या मिल रहा है क्या मिलने वाला है ये मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि उसके कारण मेरे शरीफ और ईमानदार बेटे को तकलीफ हो रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। आ गया मानव, तो कब से बैठी हूँ तेरा इंतजार करते करते। गिरीश भाई भी तेरी राह देख के निकल गए, और जाते जाते श्रावणी और सचिन को भी साथ लेके गए। ये बेटा मैं तुझसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं बेटा। मानो क्या हुआ, विश्वास किया तेरी बातों का? विश्वास किसको करवाना था और किस बात का?
किसे बात करने आए? अरे देख बेटा, मैंने और गिरीश भाई ने सोचा है, दिवाली के बाद जो अच्छा मुहूर्त आता है ना पहला, उसी वक्त तेरी और श्रावणी की शादी करेंगे। अरे ऐसे क्या देख रहे है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ बेटा, बोल ना। तू जैसा कह गया वैसा ही होगा। इसको क्या हो गया? ऐसे अचानक बात करके ठपाक से निकल गया? क्या अर्चना ने मानव की बात का विश्वास नहीं किया? ये इंसान आपको, अर्चना को, इस पूरे घर को बेवकूफ बना रहा है। ये अर्चना से इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि अच्छा इंसान है, बल्कि इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि इसमें इसका स्वार्थ छुपा है। मैं सच कह रहा हूँ, ये सिर्फ अर्चना से पैसे के लिए शादी कर रहा है। ये लोग यकीन करे ना करे, मैं तेरी असलियत अच्छे से जानता हूँ। मैं तो अर्चना की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अर्चु, बहुत परेशान है तू? हाँ भाई, आज मानव ने जिस तरह की हरकत की है, जैसा तमाशा किया है, उससे तो तेरा परेशान होना बनता ही है। सच कहती हूँ, आज तूने जो मानव को मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, उससे तो पता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अरे उस मानव को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी था। हद से ज्यादा तेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने लगा था। ऐसा कोई करता है क्या? पता है, जब उसने जयवंत पर गलत गलत इल्जाम लगाना शुरू किया ना, तो मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आया कि अगर तू उसे कुछ नहीं बोलती ना, तो मैं उसे कुछ बोलती। लेकिन तूने बोल ही दिया, अच्छा किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी जिंदगी में आसानी से आगे बढ़ सकती है, और उस मानव नाम के गंदे साये से तेरा दिल और दिमाग दूर हो चुका है ना? और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुझे अब इस बात का एहसास हो गया है कि मानव से ज्यादा तेरे घर वाले तेरी जिंदगी में मायने रखते हैं। और पता है अर्जु, वो बहन, मुझे नींद आ रही। हाँ, अब नींद तो तुझे आएगी, थक जो गई है इतना। ठीक है, तू सो जा। तुझसे ज्यादा तो तेरा वो एक्स पति परमेश्वर थक गया होगा कि लाडली अर्चना से शब्दों के ऐसे जूते जो पड़े हैं आज उसे। बहुत बुरा हाल होगा उस बेचारे का। चले जाइए और दोबारा कभी यहां मत आइए। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी जिंदगी में बोले। क्या हुआ मानो? तू अर्चना के घर गया था ना, क्या हुआ वहां पर? वही जो हमेशा होता था। किस्मत ने फिर से धोखा दे दिया मुझे। देख बेटा, बात को घुमा मत, बराबर बता क्या हुआ। बता क्या हुआ? किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, यहां तक कि अर्चना ने भी। क्या कहा अर्चना ने? वही जो सच, मुझसे कहती है कि मैं कौन होता हूं उसकी जिंदगी में दखल देने वाला, मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ। देख बेटा, ऐसा दूसरी बार हुआ है बाबा, दो बार ऐसा हुआ है कि अर्चना ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। पहली बार नुकसान हम दोनों का था, मैंने कैसे भी करके बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बाबा इस बार नुकसान सिर्फ उसका, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं मेरी बात मान रही बाबा, क्यों नहीं मुझ पर भरोसा कर। सबको ऐसा लगता है कि मुझे जलन हो रही है जयवंत से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अर्चना ने कुछ नहीं, शायद उसे भी ऐसा लगता है।
हमेशा मेरा साथ देने वाली अर्चना, आज आज उसने कुछ नहीं कहा, सीधा कह दिया कि मैं कोई नहीं लगता उसको, मुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे सही कहा, मैं क्यों चिंता करूं उसकी, उसकी अपनी जिंदगी है, मेरे अपने प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपनी चिंता करूंगा। वाह वाह मानो वाह, आखिर तूने अपनी हार मान ही ली। प्यार में हार होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसलिए कोई प्यार करना तो नहीं छोड़ता ना। हा? देखो अर्चना ने तुझ पे विश्वास नहीं किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे पता है ना कि तू सही है, और वो कौन, वो जयवंत, वो अच्छा लड़का नहीं है, और ये सब जानते हुए भी तू अर्चना को आग में कूदने देगा? क्यों नहीं, नहीं मानो, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मानो ये तेरा और अर्चना का पवित्र रिश्ता है, तेरा अहम और तुम्हारे गुस्से से कहीं ऊंचा है, तुझे ये रिश्ता निभाना ही होगा, तुझे निभाना ही होगा।